दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। एक वीक में 7 दिन की कमाई 4,38,000 रुपए नेट खाते में ट्रांसफर हुए। और तुम्हारी तालियों से जलन झलक रही है। थैंक यू वेरी मच। इतने जलने वाले 1,100 लोग मैंने कहीं नहीं देखे हैं। आदमी हिंदुस्तान में दूसरे से जल ही सकता है और क्या कर लेगा, तो जलो मत, आपको भी मौका है। कितने ट्रांसफर हुए तेजी से बोलो, मजा आ जाएगा आपको अगर ऐसा हो तो आएगा। देखो दूसरे हफ्ते के फिर लगातार हर महीना आ रहे हैं, अभी क्या दिखाना है ना, चेक देखने नहीं पड़ते हैं, पता है 2,00,000 आए होंगे। आगे बढ़ाओ। अब मैं आपको एक स्टेटस दिखा रहा हूं कि इस साल मार्च से मार्च एंडिंग पर 12 महीने की इनकम मेरे को 1,44,00,000 रुपया नेट खाते में ट्रांसफर हुई पूरे साल। थैंक यू वेरी मच। इसमें 12 का भाग दोगे तो 12,00,000 रुपया महीना होती है, और इसमें अगर आप 30 का भाग दोगे, क्योंकि 30 दिन में आए ना 12,00,000, 30 का भाग दोगे तो 40,000 रुपया रोज होती है। और अगर इसमें 40,000 में रोज की इनकम में अगर आप एक दिन की निकाल, एक घंटे की निकालना चाहते हो तो 24 का भाग दे दो तो एक घंटे की आ जाएगी 1,667 रुपए हर घंटे होते हैं, और उसमें भी 60 का भाग दे दो तो एक मिनट की हो जाती है, एक मिनट इधर गया तो 28 रुपए, दूसरे मिनट इधर आया तो फिर 28 रुपए। समझ आ रहा है? पानी पीने के लिए टोंटी खोली तो 28 रुपए। समझ आ रहा है कि नहीं? हर बात के कितने रुपए आ रहे हैं हर मिनट। मैं एक बात यहां पर जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप अभी समय रहते अपना नेटवर्क बना लो। आप दूसरे के नेटवर्क में जुड़े हो, टिफिन लेके जा रहे हो, दूसरे के नेटवर्क को फल फुला रहे हो, स्कूल में बच्चे भेज रहे हो, स्कूल वाला पैसे कमा रहा है, किसी कंपनी का कॉलगेट कर रहे हो, वो कॉलगेट की कंपनी कमा रही है, किसी कंपनी का हैंडसेट लेके स्मार्टफोन लेके बड़े बन रहे हो, वो कंपनी वाले पैसे कमा रहे हैं, एयरटेल की सिम डाल के बड़े बन रहे हो तो एयरटेल वाला लक्ष्मी मित्तल बहुत पैसे कमा रहा है, कोई और पैसे कमा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन आप पैसे नहीं कमा रहे कालिया, क्योंकि यू डोंट हैव नेटवर्क, आपके पास नेटवर्क नहीं है। आप सिर्फ किस पे भरोसा करते हो? दो बाजुओं की कमाई पर। 8 घंटा जाते हो फिर वापस आते हो, टिफिन लेके बीवी भेजती है, खाली करके वापस लाते हो, यही सिलसिला 30 दिन चलना है, यही सिलसिला साल भर चलना है, यही सिलसिला 30 साल चलना है, और 30 साल बाद गलती से जब आप रिटायर होके वापस आओगे तो एक कंधे पे सॉल होगी, एक हाथ में लठिया होगी, और एक एक मतलब क्या है ना, कुछ छोटी सी 10-12,00,000 रुपए का फंड होगा, उसके बाद आम आम का सारा रस निचुड़ गया होगा और सरकार ने बोल दिया होगा ले गुठली वापस दे रहे हैं, मजे लो इससे, ले जाओ, खत्म हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिंदगी कब जियोगे दोस्त? जिंदगी कब जियोगे? क्या जिंदगी भर नौकरी करने के लिए, क्या जिंदगी भर काम करने के लिए पैदा हुए थे हम? उसके लिए पढ़ाई की थी क्या? तो 40 साल का काम अगर 5 साल में करवा दें हम लोग, तो कितने लोग छाती ठोक के बोल रहे हैं कि हमारे साथ तैयार हैं करने को? तैयार हो कि नहीं हो? 40 साल का काम हम लोग 5 साल में करवाते हैं, 40 साल की इनकम हम लोग 5 साल में लाके देते हैं, 40 साल का सुख हम लोग 5 साल में आपको डेवलप करवाते हैं, और 40 साल की चीजें जो होती हैं वो 5 साल काम करने से जिंदगी भर आपकी हो जाती हैं। अब नागल साहब को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल ही आदमी अलार्म की घड़ी पर उठेगा नहीं, क्योंकि कोई दुनिया की घड़ी इतनी बनी नहीं है ताकतवर जो राजवंश नागल को जगा दे। क्यों? क्योंकि उसकी आज कोई नौकरी नहीं है भाई साहब। अपनी सोचो, लेकिन जितने नौकरी से लौटे हो ना, अपनी सोचो, आज रात को, शनिवार को, इतवार की रात को कई बीवियां अपने पतियों को बोलती हैं जल्दी सो जाओ, कल नौकरी पर जाना है। मन पति का कुछ और होता है, समझ आ रहा है? लेकिन पत्नी की एडवाइस क्या होती है? जल्दी सो जाओ, कहां जाना है कल? नौकरी पर जाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? और आदमी बेचारा सो जाता है, उसने कहा चलो यार अगली शनिवार को देखेंगे। समझ आ रहा है? चलो यार अगले शनिवार को देखेंगे। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहां पर कोई अलार्म की घड़ी आपको ऐसी बनी नहीं है जो दुनिया में जगा सकती हो।
क्योंकि एक बार चार साल में पांच साल में आके अपना नेटवर्क बना लो, तो कितने लोग नेटवर्क बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं? इंटरेस्टेड हो? कुछ बातें बता दूं? तो एक वेबसाइट है जहां पर बहुत सारे पैसे आते हैं ना, तो कुछ सर्वे करती है, तो ये बताती है कि मैं 0.01% लोगों में से ग्लोब के हूं। ग्लोब के कौन से परसेंट में से हूं? 0.01% में से। ये कैलकुलेशन करके बताती है, अगर इस पे आप अपनी एनुअल इनकम डाल देते हो 1,44,00,000 रुपए, तो ये एनुअल इनकम को काउंट करके बताती है कि आपका 6,96,299 में स्थान है दुनिया में पैसे कमाने वालों में। समझ आ रहा? आगे बढ़ा। ये बताती है कि ऐसा जो पैसा आप इस साल भर में कमा रहे हो, इसी पैसे को जिम्बाब्वे का एक मजदूर जो है वो 5,135 साल में कमाएगा, उतने पैसे जो आप साल भर में कमा रहे हो। ये वेबसाइट बताती है। ये बताती है कि पाकिस्तान के 3,681 डॉक्टर की तनख्वाह में अपनी एक साल की तनख्वाह में से दे सकता हूं, जो 1,44,00,000 है। कितने होते हैं वो पैसे? आगे बढ़ाओ। अब एक बहुत बेहतरीन चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लोग इस बिजनेस में कहां से कहां पहुंच रहे हैं। हमारे एक सुपर सीनियर है, मिस्टर संजय जैन। क्या नाम है उनका? तेजी से बोलो, संजय जैन। जिनको आइडियल हमने माना, जिनकी बातों को हमने समझा, जो भी सिस्टम का स्वरूप है उन्होंने बहुत कुछ सिस्टम को दिया। आज उनकी जो टीम है वो लगभग 19,00,000 लोगों की है। कितनी है? 19,00,000 लोगों की है। 2003 में 2004 में जब मैं जुड़ा था इस बिजनेस में, थोड़े ही दिन बाद वो डायमंड बन गए थे। सबसे पहले हमारी कंपनी में उन्होंने रॉयल्टी चेक लिया। उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए हैं जो आज तक कोई उनको तोड़ नहीं पाया। अभी थोड़े दिन पहले यहीं एनएच8 पे गुड़गांव से थोड़ा आगे गोल्डन टूलिप एक जगह है, वहां पर उन्होंने अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाई और ऐसी ग्रांड बनाई कि अगले दिन अखबारों में आई, न्यूज़ों। साहब हमारे जैन साहब जब इस बिजनेस में आए थे तब उनकी शादी को ऑलरेडी 10 साल हो चुके थे। कितने साल? 8-10 साल हो चुके थे। और 15-16 साल से लगभग वो काम कर रहे हैं इस बिजनेस में। और 15 साल बाद आदमी इस तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता है। साहब की उम्र 51 साल है और मैडम 49 साल की हैं, 49 ईयर की हैं, और आदमी 25वीं वर्षगांठ इतनी मना रहा है कि एक होटल को 35,00,000 रुपया सिर्फ 2 दिन में दे रहा है खर्चे में। थैंक यू वेरी मच। 2 दिन के खर्चे में कितने रुपए दे रहा है? 35 लाख। नहीं तो किसी नौकरी वाले को इस उम्र में जाके पूछोगे तो लड़की की शादी की चिंता में हार्ट अटैक हुआ जा रहा होगा उसका। सही बोल रहा हूं? Yes! और लड़कों के कैरियर बनाने के चक्कर में इधर उधर आपा आपा घूम रहा होगा, एकाध पुर्जा काम करना बंद कर दिया होगा। और हमारे बिजनेस में आके अगर एक बार नेटवर्क बना लोगे ना, तो एकाध पुर्जा काम करना बंद भी कर देगा तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में नहीं बदलेगा, बाहर बदल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes! पैसे होने चाहिए। Yes! तो ये जिंदगी है। तो दूसरा, ये न्यूज में क्यों आई एनिवर्सरी? अभी तक उस होटल की ऐसी सबसे सुपर एनिवर्सरी थी तो आज तक कभी नहीं मनी। होटल ने खुद न्यूज वालों को बुलाया, बहुत सारे न्यूज वाले आए, तो कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत बड़ी बात थी। गोल्डन टूलिप होटल के अंदर आज तक वो नहीं हुआ था, उस सवारी से कोई नहीं आया था जिस सवारी से हमारे साहब आए एनिवर्सरी मनाने के लिए। तो एक बार देखते हैं उनका एक वीडियो, देखो ध्यान से देखो। तो कितने लोगों को ये आनंद चाहिए अपनी जिंदगी में? हमको तो यार चाहिए थे, ब्राह्मण की औलाद थे, जो दिखा दोगे उसके पीछे पड़ जाते हैं। समझ में आ रहा? एक बार अगर जजमान ने दक्षिणा दिखा दी, तो फिर आप समझा नहीं सकते कि क्या मन में रह जा, फिर से जो दिखाई है वो देनी पड़ेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आप में से कितने लोग हैं जो ये जिंदगी जी सकते हैं अगर आपको प्लेटफॉर्म मिले, मौका मिले? जी सकते हो ना? इससे ज्यादा क्या बताऊं कि इसके क्या गुणगान करूं, क्या अच्छा बताऊं? एक बात एक एग्जांपल से बता सकता हूं। एक बार मेरे को आदमी पूछ रहा था कि सर मेरे को बताओ कि आपका बिजनेस कैसा है। तो मैं बहुत सोच रहा था, बैठ के सोच रहा था कि कैसे बताऊं बिजनेस कैसा है। तो मैंने एक सवाल पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं, बताओगे, जवाब दोगे?
पानी पीते हो? दिन में कितने लीटर पीते हो? 9 लीटर। डॉक्टर बोलता है कि 9 गिलास कम से कम एक हेल्दी आदमी को रोज पानी पीना चाहिए, सही है? अगर आपकी उम्र 20 साल है तो 9 गिलास रोज, उसके हिसाब से 10 दिन के 90 गिलास जोड़ लो, फिर 365 दिन के 9 के हिसाब से अगर 10 गिलास एवरेज माने तो आप 3000 गिलास एक साल में पी लेते हो, है कि नहीं? है कि नहीं? और 10 सालों में कितने? 30,000 गिलास। 20 सालों में 60,000 गिलास। अगर कोई आदमी 20 साल का आदमी यहां बैठा है, 60,000 गिलास पानी पी के बैठा है, मैं आपसे पूछूं कि पानी का स्वाद कैसा होता है, बताओ मेरे को, तो यू कैन नॉट रिप्लाई, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पानी का स्वाद बताया नहीं जा सकता भाई साहब। प्यासा है तो एक गिलास भर के पिला दो, अब उससे पूछ लो बता मजा आया कि नहीं तेरे को। तो इस धंधे में आके आपको बता नहीं सकते कि क्या है, बस ये है जो आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको सपनों की जिंदगी जीनी है, बच्चों की नजर में अपनी इज्जत बनानी है, बीवी की नजर में अपनी इज्जत बनानी है, नहीं तो वो गाली दे के ही मरेगी बाद में, समझ आ रहा है कि नहीं?